इंदौर के होलकर स्टेडियम पर रविचंद्रन अश्विन ने दो टेस्ट मैच में 18 विकेट चटकाए हैं केवल 12 की औसत से, यानी कि इस मैदान पर स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है। और मौजूदा सीरीज में ऑस्ट्रेलियंस घूमती हुई गेंदों के सामने कैसे नाच रहे हैं ये तो सभी देख चुके हैं। मगर क्या कल से शुरू होने वाले तीसरी टेस्ट मैच की पिच पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को थोड़ी राहत मिलेगी, और क्या इस बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक से आउट ऑफ फॉर्म केएल राहुल को एक और जीवनदान देंगे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, या फिर दो दिन से नेट्स में स्पिनर्स के सामने शुभमन गिल की आक्रामक बैटिंग देखकर उनको टीम फाइनली मौका देगी। आइए मेरे साथ इन सारी बातों पर चर्चा करने। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पर, ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद डैफा न्यूज। इंडियन टीम को दिल्ली जीत के बाद काफी टाइम मिला आराम करने के लिए, मगर अब पूरा फोकस वापस आ गया है 4-0 करने में। टीम इंडिया दो टेस्ट मैच खेल चुकी है इंदौर के होलकर स्टेडियम में और दोनों बड़े मार्जिन से जीती है। वैसे इंदौर को शुरू में तीसरे टेस्ट की मेजबानी के लिए नहीं चुना गया था, मगर धर्मशाला में खराब परिस्थितियों ने टेस्ट मैच को यहां शिफ्ट करने के लिए मजबूर किया। होलकर स्टेडियम पिच की बात करें तो यहां पर लाल मिट्टी मौजूद है जिसके चलते स्पिनर्स को मदद जरूर मिलती है, परंतु इंदौर से खबर आ रही है कि इस बार पिच में ज्यादा उछाल है, जो कि दोनों टीम्स के बल्लेबाजों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि नागपुर और दिल्ली में बॉल थोड़ी लो रही और बैटिंग इतनी आसान नहीं थी। तो क्या इस बात से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को थोड़ी राहत मिलेगी अगर जो एक बार फिर से उनकी बैटिंग पहले आई? The average first inning score at the Holkar Stadium is 353, which suggests how good the pitch is for batting in the first half. मगर स्पिनर्स का योगदान रहेगा यहां पर, क्योंकि तीसरे दिन पर जो रफ बन जाती है उससे धीमी गति के बॉलर्स को फायदा बहुत होगा। जहां टीम सिलेक्शन की बात है, once again the big talking point is whether Shubman Gill will get a chance in place of KL Rahul. कल गिल ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार बैटिंग करी होलकर स्टेडियम नेट्स के अंदर, और फिर एक समय पर वो और राहुल बगल में बैटिंग भी कर रहे थे। गिल ने जडेजा को स्टैंड्स के अंदर छक्का मारा और ओवरऑल स्पिनर्स के सामने जबरदस्त टच में नजर आए। सो इट सीम्स एज इफ अ लेट डिसीजन विल बी टेकन ऑन हु विल पार्टनर रोहित शर्मा। दोनों रोहित और द्रविड़ ने स्ट्रगलिंग केएल राहुल के पीछे पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया, मगर राहुल ने सीरीज में केवल 38 रन बनाए हैं। He has been removed from the vice captaincy for the remainder of the series. So does this mean that he will be dropped for Gill? अगर current touch को देखें, तो जिस तरह से Gill ने कल spinners के सामने batting करी, अगर उन्हें अब नहीं खिलाया, तो बस कब? अब बात करते हैं Australian team के बारे में, जिनकी कप्तानी Steve Smith करेंगे, with Pat Cummins back home in Sydney to be with his ailing mother. डेविड वार्नर के एब्सेंस में ट्रेविस हेड को दोबारा ओपनिंग करने का मौका मिला है, और हेड ने हाल ही में कहा कि बीइंग ड्रॉप्ड फॉर द फर्स्ट टेस्ट इन नागपुर केम एज अ शॉक टू हिम, बट हैविंग बीन गिवन अनदर शॉट इन दिल्ली वो पूरी तरह से तैयार है एक अग्रेसिव माइंडसेट के साथ खेलने के लिए। हेड ने दूसरी पारी में ओपनिंग करी जब वार्नर को कंकशन हुआ और उन्होंने 46 गेंदों पर 43 रन बनाए, which he says has given him the confidence to adopt England's baseball approach for the rest of the series. जहां हेड से ऑस्ट्रेलिया ओपनिंग कराएगी इंदौर मैच में, वहीं मिडिल ऑर्डर में वापसी करेंगे ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, जो इंजरी के कारण अब तक नहीं दिखे सीरीज में। ग्रीन के आने से बैटिंग और बॉलिंग दोनों मजबूत हो जाएंगे, एंड विद कमिंस नॉट अराउंड इट लुक्स एज इफ मिचेल स्टार्क विल आल्सो स्लॉट बैक इनटू ऑस्ट्रेलियाज 11 टू मेक हिम एंड ग्रीन द टू पेस बॉलिंग ऑप्शंस along with 3 spinners once again, unless the red soil of the Indore pitch prompts the Australians to bring in a 3rd quick, such as Scott Boland. Well, friends, once again, the pitch and KL Rahul have dominated the chatter leading into another test match. लग रहा है कि ये मैच जरूर day 4 तक जाएगा, और अगर दोनों टीम के बैट्समैन ने झंडा गाड़ लिया, तो 400 टाइप की पारी सामने दिख रही है, at least once for each team. रही बात राहुल versus गिल की, well, द्रविड़ की फिलॉसफी देखकर मुझे लगता है कि राहुल को इस बैटिंग पिच पर एक और मौका मिलेगा, बट दिल कह रहा है कि यार अब तो गिल को चांस दे दो, क्योंकि आप सीरीज जीत चुके हो, कंफर्टेबल पोजीशन में हो, और बंदे का हौसला बढ़ाना भी तो जरूरी है दोस्तों। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज क्लिक द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वेल व्हाट आर यू वेटिंग फॉर?
और दोस्तों अगर आपको और भी क्रिकेट अपडेट्स, लाइव स्कोर्स और न्यूज चाहिए देन डू हेड ओवर टू दाफा न्यूज जहां पर आपको मेरे रिटन आर्टिकल्स भी मिलेंगे. अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज जेमी ऑल्टर सेइंग गुड बाय टेक केयर जय हिंद.